कारगिल वॉर में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के 19 साल के एक लड़के ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि आज भी सुनकर दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और भारतीय सेना का सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। यह गौरव गाथा 19 साल के यानी सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र हासिल करने वाले नायाब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की है। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव को कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल के बेहद अहम दुश्मन के 3 बंकरों पर कब्जा जमाने का जिम्मा सौंपा गया था। योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में स्थित सिकंदराबाद के अहिर गांव में हुआ था। उनके पिता करण सिंह यादव भी सेना में थे। उन्होंने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों में भाग लिया था। वे कुमाऊं रेजिमेंट में थे। योगेंद्र सिंह यादव जब सेना में शामिल हुए तो उनकी उम्र महज 16 साल की थी। 1996 में जब गाँव का डाकिया उनके सेना में भर्ती होने का लेटर लेकर आया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि वे भी अपने पिता की तरह सेना में भर्ती होना चाहते थे। मिलिट्री ट्रेनिंग के कुछ साल बाद 1999 में ही योगेंद्र सिंह यादव की शादी हुई थी। नई दुल्हन के साथ 15 ही दिन हुए थे कि तभी सेना मुख्यालय से एक आदेश आया जिसमें लिखा था, आपको तुरंत अपना सामान पैक करके कारगिल पहुंचना है। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन देश के लिए लड़ने का मौका भी नहीं छोड़ना चाहते थे। जब वे जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि उनकी बटालियन 18 ग्रेनेडियर द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची पहाड़ी तोलोलिंग पर लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू ही किया था कि दुश्मन ने अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। हमले में उनके कई साथी शहीद हो गए। वे रुकना चाहते थे लेकिन चारों तरफ से इतना गोला बारूद बरस रहा था कि अपने साथियों के शवों को देखने का भी समय नहीं था। धुआंधार लड़ाई के बीच खड़ी चट्टान की मदद से ऊपर जाना था। कुछ घंटों में ही वे वहां पहुंचने में कामयाब रहे। चोटी पर पहुंचते ही उन्होंने दुश्मनों पर धावा बोल दिया और कई बंकरों को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ से ग्रेनेड फेंके जा रहे थे। इस गोलाबारी में भारतीय सेना के कई सैनिक शहीद हो गए। योगेंद्र की टुकड़ी में बहुत कम लोग बचे थे, इसलिए तय किया गया कि फायरिंग नहीं करेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे। दुश्मनों को लगा कि योगेंद्र की पूरी टीम खत्म हो गई है तो वे थोड़े सुस्त हो गए। वे यही देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि ठीक उसी वक्त योगेंद्र समेत सभी भारतीय सैनिकों ने दुश्मन पर हमला कर दिया। इसमें कई पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए। एक बचे हुए दुश्मन ने भारतीय सेना की जानकारी दुश्मन को दे दी, लेकिन योगेंद्र आगे बढ़ते रहे। वे बुरी तरह से घायल हो चुके थे। उनका शरीर खून से लथपथ था और एक पैर टूट चुका था। जब दुश्मन सेना उनके पास पहुंची तो उन्होंने मरने का नाटक किया। जैसे ही पाकिस्तानी सैनिक रिलैक्स हुए, उन्होंने हमला कर दिया। मशीन गन, हैंड ग्रेनेड, जो हाथ लगा उससे उन्होंने हमला किया। इस दौरान उनके शरीर में करीब 15 गोलियां धस चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि उनके पास समय बहुत कम है। यही सोचकर वे दुश्मन सेना को गिराते जा रहे थे। योगेंद्र के हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक ढेर हो गए और दूसरी तरफ भारतीय सैनिक समझ रहे थे कि वे शहीद हो चुके हैं। लेकिन जब दूसरी तरफ से गोलाबारी की आवाजें कम हुई तो वे पहाड़ी से खिसक कर नीचे आ गए। नीचे उनकी हालत देखकर पूरी भारतीय टुकड़ी हैरान थी। अस्पताल ले जाने से पहले उन्होंने पाकिस्तान सेना की संख्या, लोकेशन और रणनीति समेत कई जानकारियां अपने साथियों को दे दी, जिसके बाद भारतीय टुकड़ी ने पाकिस्तानियों पर हमला कर टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया। युद्ध में योगेंद्र सिंह इतने ज्यादा घायल हो चुके थे कि उन्हें ठीक होने में कई महीने लग गए। ठीक होने के बाद उन्होंने 18 ग्रेनेडियर्स में देश की सेवा की। वे सबसे कम 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले भारतीय सैनिक हैं। ऐसे वीरों की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।